यूपी में क्राइम ग्राफ को कम करने के लिए यूपी सरकार ने डायल 100 परियोजना की शुरुआत की है। नोएडा में डायल 100 को गुरुवार को शुरू किया गया। इस मौके पर नोएडा के एसएसपी धर्मेंद्र यादव और सपा के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर समेत नोएडा के और भी कई पुलिस अधिकारी मौजूद थे। डायल 100 की गाड़ियों को सुरेंद्र नागर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुरेंद्र नागर से बात की हमारे संवाददाता अविनाश सिंह ने। शहर या देहात, दिन हो या रात, यूपी 100 है सबके साथ। इसी स्लोगन के साथ यूपी गवर्नमेंट ने आज यूपी में डायल 100 की शुरुआत की है। इसी कड़ी में नोएडा में सपा के राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर ने हरी झंडी दिखाकर जो यहाँ की गाड़ियाँ हैं उनको रवाना किया है। नागर जी, जो आपके विपक्षी हैं पिछले काफ़ी समय से कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सपा की सरकार पर हमला बोल रहे हैं, उनका यही कहना है कि जब से सरकार आई है जो कानून व्यवस्था है प्रदेश में खत्म हो गई है। आपको नहीं लगता कि अगर इस परियोजना की शुरुआत अब से कुछ देर पहले की गई होती तो शायद उनको ये मौका नहीं मिलता? देखिए, जहाँ तक आरोप लगाने की उत्तर प्रदेश में क्राइम की बात है तो उसके लिए आंकड़े आपके पास उपलब्ध हैं। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो इस देश में सबसे ज़्यादा अगर क्राइम कहीं है तो मध्य प्रदेश में। मंत्री जी ने आए दिया तो क्या ये अच्छा नहीं है कि जो उन्होंने आज दी है, जो सुविधा वो दी है, वो समय से मिल गई लोगों के जीवन में। लोगों को पुलिस, पहले लोग पुलिस के पास जाते थे, पुलिस लोगों के पास जाएगी। आपने कहा अभी मन से कि वर्ल्ड क्लास सिस्टम को डेवलप किया गया है इसके माध्यम से, लेकिन जो पुलिसिंग सिस्टम है अगर यूपी की बात करें तो आपको लगता है कि अभी मतलब फिलहाल अचानक से वो सपोर्टिव होगी उस हद तक? देखिए, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से आपको करनी पड़ेगी। शुरुआत ये कि हुई है, बड़ी शुरुआत हुई है। और अगर पुलिस जो मॉडल है, एक्चुअली आप उसकी बात करिए, मॉडल है हमारा जो न्यूयॉर्क पुलिस है, दुनिया का सबसे बड़ा जो केंद्र है इसका, जो लखनऊ में बनना सेंटर है इसका डायल 100 का, वो दुनिया का सबसे बड़ा है। मुख्यमंत्री की जो सोच है और जो आगे जो इस प्रदेश को विकास के रास्ते पे वो ले जा रहे हैं, वो न किसी इस देश में, कह सकता हूँ मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस देश में कह सकता हूँ कि वो अकेले ऐसे नेता हैं जो इस प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। विकास की सोच के मामले में वो सबसे आगे हैं। तो यूपी के नोएडा में डायल 100 की शुरुआत की गई है और यूपी पुलिस के साथ साथ सरकार का भी दावा है कि कहीं ना कहीं जो क्राइम है, क्राइम को कंट्रोल करने में जो सिस्टम डेवलप किया गया है वो बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है। हालांकि कहीं ना कहीं जो इससे पहले की अगर बात करें तो जो तमाम विपक्षी पार्टियाँ हैं वो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगाती रही है कि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है यूपी में, तब से जो कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं लचर हो गई है। हालांकि समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि हमने एक अच्छी सरकार देने की कोशिश की है और हमारा दावा ये भी है कि हम आगे भी बेहतर काम करते रहेंगे। कैमरामैन कुलदीप कुमार के साथ अविनाश सिंह, नेशनल वॉइस, नोएडा। जय हिंद। यूपी में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए डायल 100 सेवा की शुरुआत की गई है। नोएडा में भी इस सेवा की शुरुआत की गई है और मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए एसपी ट्रैफिक प्रबल प्रताप सिंह हैं नोएडा के। सर, जो सिस्टम शुरू किया गया है आज से नोएडा की अगर बात करें तो किस तरीके से ये फंक्शन करेगा और किस तरीके से काम करेगा? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा, यूपी 100 की इंटीग्रेटेड बिल्डिंग लखनऊ में बनी हुई है और वो हेडक्वार्टर है जहाँ से कि ये सारी गाड़ियाँ कंट्रोल हो रही हैं। जो नोएडा को गाड़ियाँ मिली हैं 37 जिसमें 36 अभी काम कर रही हैं, एक रिजर्व है जिसमें 26 इनोवास वर्क कर रही हैं और 10 बलेरो वर्क कर रही हैं। सभी GPS एक्टिवेटेड व्हीकल्स हैं और GPS के थ्रू ये मैप पर हेडक्वार्टर पर अवेलेबल है। तो जो 100 नंबर पर जो कॉल जनरेट होती थी, जो अभी डिस्ट्रिक्ट में उठती थी, और वो इंटीग्रेटेड रूप से जो हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ उठेगी और उस 100 नंबर की कॉल के बेसिस पर उस जो कॉलर है उसकी जो लोकेशन है वो वहाँ ओरिजिनेट होगी। उस लोकेशन के बेसिस पर, उस लोकेशन के जो नज़दीक सबसे गाड़ी है, उस गाड़ी को इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम से लखनऊ से इन्फॉर्म किया जाएगा और लेस देन 15 मिनट्स में वो गाड़ी अपने गंतव्य पहुँच करके वहाँ पर जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई करेगी। सर, डायल 100 जो सेवा है पहले से ही मौजूद थी, तो क्या माना जाए कि जो रिस्पांस टाइम था पुलिस का उसको कम करने के लिए और कहीं ना कहीं जो अलग से कुछ टेक्निकल सपोर्ट के लिए इस सेवा को शुरू किया गया है? देखिए, जो प्रॉब्लम आ रही थी पहले वो ये थी कि यद्यपि 100 नंबर सभी जिलों में काम कर रहा था, आप भी जानते मैं भी जानता हूँ, उसमें कई बारी समस्याएँ ये थी कि कई बार वो नंबर उठता नहीं था, कई बार वो नंबर ख़राब हो जाता था, कई बार PCR का रिस्पॉन्स टाइम बहुत ख़राब था। तो ये प्रॉब्लम्स जो हैं इसके कारण पुलिस रिस्पांस में लगातार कमी आ रही थी और पुलिस पर लगातार क्वेश्चन मार्क लग रहे थे। इसमें लायबिलिटीज़ फिक्स हैं,
इसमें जीपीएस पर चूँकि गाड़ी अवेलेबल है तो कंट्रोल रूम को पता होता है ऑलरेडी कि कौन सा व्हीकल इस घटनास्थल से सबसे नज़दीक है, उस व्हीकल को ही रिस्पॉन्ड करने के लिए बोला जाता है। और उनको एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया है जो शहर में 15 मिनट और देहात में 20 मिनट दिया गया है, उस टाइम के अंदर अंदर उनको अपने स्पॉट पर पहुँचना है। उनकी टोटल एक्टिविटी जीपीएस पर नोटिस हो रही है। मौके पर पहुँचने के बाद जो उन्होंने एक्शन लिया उसका वीडियो बना करके उसकी फाइल बना करके उसको अपलोड करना है उनको सिस्टम पे, तो उनके द्वारा एक्शन टेकन रिपोर्ट तैयार होती है। तरीके की जो पुलिस के बारे में शिकायत थी कि बहुत ज़्यादा लेट पहुँचती है वो ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इस सेवा के जरिए कहीं ना कहीं जो क्राइम का ग्राफ है उसको नीचे लाया जाए और जो पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम होता था उसको कम करने की ये कवायद की गई है इस सेवा के जरिए। कैमरामैन कुलदीप कुमार के साथ अविनाश सिंह, नेशनल वॉइस, नोएडा। जय हिंद।